हेलो फ्रेंड्स मैं दत्ता डेमकर आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसका नाम है ओम ऑटो गैरेज दोस्तों ये एस टी पी पंप है जिसका यूज़ किसान फसलों पर स्प्रे करने में करता है और ये वॉशिंग सेंटर पर भी काम आता है इस एस टी पी का प्रॉब्लम यह था कि उसके ये जो तीन प्लंजर है उसमें इस जगह से पानी लीकेज हो रहा था और इसमें प्रेशर भी कम आ रहा था तो आज मैं इसके दोनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने है? वो बताने वाला हूँ तो सबसे पहले सेक्शन चैम्बर के दोनों नट ओपन कर लेते हैं सेक्शन चैम्बर है जिसमें ये तीन वाल लगे हुए हैं इन्हीं वाल की वजह से ही प्रेशर क्रिएट होता है इसमें छह वाल होते हैं अब हमें दूसरा चैम्बर भी ओपन करना है इसके अंदर भी तीन वाल आते उसके बाद प्लंजर सिलेंडर ओपन करना है उसके चार नट ओपन करने इस तरह से इसे बाहर निकालना है प्लंजर की तीनों रिंग निकल लेते दोस्तों देख सकते हो आप ये तीनों प्लंजर इस तरह से वर्क कर दे उसके बाद ये लॉक निकलना है उसके बाद हमें ये तीनों प्रेस कवर रिंग ओपन करने ये तीनों ग्रीस रिंग निकालने और उसके बाद ये वी पैकिंग निकालने अब हमें इन तीनों प्लंजर रॉड में ये रिंग लगाने जिसकी वजह से प्लंजर हमेशा क्लीन रहेंगे और इंजन ऑयल में भी प्लंजर से जो थोड़ा थोड़ा पानी जाता है और ऑयल का कलर वाइट हो जाता है वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा उसके बाद इस ग्रीस कैप में ग्रीस भर लेते ग्रीस की वजह से प्लंजर हमेशा लुब्रिकेंट रहेंगे और उसमें स्क्रैचेस या जंग भी नहीं लगेगा इसलिए ग्रीस कैप में टाइम टाइम पर ग्रीस भरना है अब हमें ये तीनों वी सीट लगाने हैं ये हमें इस जगह पर इस प्रकार लगाने और उसके बाद इस सिलेंडर में वी सीट के ऊपर से ये तीन तीन वी पैकिंग लगाने सब मिला कर ये नौ वी पैकिंग आती है वो हमें तीनों स्लॉट में तीन तीन करके लगाने इस प्रकार से हमें वो लगाने वी पैकिंग के ऊपर से ये ग्रीस रिंग लगाने इसमें ये जो स्लॉट बना हुआ है वो नीचे की साइड लगेगा इस तरह से ये तीनों ग्रीस रिंग प्लेस करने उसके बाद ये तीनों प्रेस कवर रिंग लगाने उसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस तरह से टाइट करना है अब हमें प्लंजर को थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाना है और सिलेंडर प्लंजर के अंदर अटैच कर लेना है उसके नट टाइट कर लेते इस प्रेस कवर रिंग को हम इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते थोड़ा रोटेट करके देखना है ज़्यादा टाइट भी नहीं जाना चाहिए ऐसे एडजस्ट करने उसके बाद ये लॉक लगाने ये कवर भी लगाते इसके वाल की कंडीशन ठीक थी इसलिए मैंने वाल चेंज नहीं किए सिलेंडर में हमें ये तीन वाल इस तरह से लगाने हैं और उसके ऊपर से सेक्शन चैम्बर लगाना है उसके दोनों नट लगा कर टाइट कर लेने उसके बाद ये तीन वाल लगाते उसके ऊपर से चेम्बर लगाते और नट टाइट कर लेते ग्रीस कैप को थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेते अब इसका प्रेशर भी बढ़ेगा और पानी भी लेके नहीं होगा दोस्तों ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद